आखिर क्यों अश्मित शर्मा टेलीफिल्म्स का ये नया शो हो रहा है इतना पॉपुलर? इस शो को लेकर आखिर क्यों फैंस एक्साइटेड रहते हैं और शो में इतना इंटरेस्टिंग आखिर क्या है जिसके चलते फैंस को आकर्षित कर रहा है ये शो? एक इकलौता शो जो कि शिमारू उमंग पे ऑन एयर किया गया और इतना सक्सेसफुल हो गया। तो चलिए आज के इस स्टोरी में आपके साथ शेयर करते हैं किस्मत की लकीरों से जुड़े हुए कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। दरअसल रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स ने एक नए शो को लॉन्च किया और इस शो को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, शो को महीना ही हुआ है। शो शिमारू उमंग पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस शो की अगर हम लीड स्टार कास्ट की बात करें तो आपको शैली, प्रिया पांडे, इसके अलावा वरुण शर्मा, अभिषेक सिंह पठानिया, सुमिति सिंह जैसी लीड एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। शो की स्टोरी जो है वो बहुत हद तक एक फैमिलियर शो है। इस शो को बनाने का मकसद था एक ऐसे फैमिली को एकत्रित करना। जैसे रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स की खासियत है कि ये फैमिली पे ज्यादा ही जोर देती है और इनके जितने भी पास्ट आप शो देखो, चाहे वो साथ निभाना साथिया हो, इसके अलावा ससुराल सिमर का सीजन 1 सीजन 2 और अब आ चुका है किस्मत की लकीरों से, ऐसे में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किस्मत की लकीरों से क्यों ऐसा शो है जिसको सभी लोग पसंद कर रहे हैं। इस शो में दो लड़कियों की कहानी और दो लड़कों की कहानी, यानी कि पूरा फुल ऑन एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा गया है और शो की स्टोरी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये कहना गलत नहीं होगा, ये भी एक बड़ा शो बनने वाला है आने वाले दिनों में। रश्मि शर्मा का ये शो इस चैनल पे तो छा ही जाएगा, इसके अलावा इस शो को भी लंबे समय तक चलाया जा सकता है अगर स्टोरी में इसी तरीके से इम्प्रोवाइज किया गया। अब इस शो की कुछ हद तक लोग ये भी मानते हैं कि कहानी जो है वो ससुराल सिमर का सीजन 2 से मिलती जुलती है और ये मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक सही भी है। बहुत हद तक ये कहानी इनकी ससुराल सिमर का सीजन 2 से मिलती है। वैसे भी बेशक लोग उसको उस शो को भी बहुत पसंद करते हैं, ऐसे में रश्मि शर्मा का इस शो को बनाने का यही मेन मकसद था कि इस तरीके के शो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। खैर अब आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करना, क्या इस शो को आप भी देखना पसंद करते हो? अगर आप भी देखते हो इस शो को तो आपको इस शो में सबसे बेस्ट क्या लगता है? और दोस्तों अगर आप भी दशहरा दिवाली की शॉपिंग करना चाहते हो तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक बड़ा ऑफर। आप जाके कोई भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मीशो हो, आजियो हो, जियो मार्ट हो, रिलायंस डिजिटल हो, क्रोमा हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उन सभी से आप जाके शॉपिंग कर सकते हो। आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 20-40% तक का। तो अभी जाओ, देर मत करो, सारे ही वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्दी जल्दी जाओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और ग्रैब कर लो डील को। इसके साथ साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो अभी सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।